हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त वरु आपके चैनल लर्न फ्री अर्न फ्री से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जबरदस्त टॉपिक है, फ्यूचर अर्निंग के लिए है। फोकस कर लोगे इस बियर मार्केट में भी तुम्हारे पास अच्छे खासे फंड आ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो को फॉलो कर लोगे। ऐसे ब्रिजेस जिनका भी टोकन नहीं है। कई लोगों को हॉप प्रोटोकॉल का टोकन नहीं मिला क्योंकि वो एलिजिबल नहीं हुए एयर ड्रॉप के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस पूरी नहीं है। सबको ये लगता है कि आप एक दो ट्रेड करोगे, 40-50 डॉलर की ट्रेड करोगे, 100 डॉलर की ट्रेड करोगे और तुम्हें 5,000 डॉलर मिल जाएंगे, 10,000 डॉलर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो सीज़न है वो टफ होता जा रहा है आगे से आगे। ये चीज़ें जस्ट बिकॉज जो DYDX था उस पर आपने एक ट्रेड करी, ठीक है, आपको 3-4 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट हो गया जब उन्होंने एयर ड्रॉप करा, बट अब वो वाला सीज़न नहीं चल रहा। वो स्टार्टिंग थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, इतने ज़्यादा एयर ड्रॉप हंट नहीं किए जा रहे थे तब। अभी सबको मालूम पड़ चुका है कि हाँ एयर ड्रॉप मिलता है, ऐसे मिलता है, तो उसकी वजह से क्रिटेरिया जो है वो टफ होता जा रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को पूरी देखना और हो सके तो शेयर भी कीजिए, लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबा लो। टेलीग्राम ट्विटर हैंडल फॉलो कर लो। टेलीग्राम पर मैंने रात को ही बता दिया था कि हॉप टोकन क्लेम कर सकेंगे हम टुमारो, हो सकता है आज या कल, दोनों दिन में से किसी भी टाइम हॉप का जो एयर ड्रॉप का है वो क्लेम कर सकते हैं। जिन भी लोगों को मिला है कॉन्ग्रेच, और कमेंट करके बताना किसको कितने कितने टोकन मिले हैं यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो आज का जो हमारा पहला ब्रेज होने वाला है वो होने वाला है अक्रॉस। इसके लिए शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, बट नो इश्यूज़, एयर ड्रॉप मिलेगा, चांसेस है, स्पेकुलेशन है। क्योंकि इसका जो V1 वर्जन था ना, तो मैं ये चाहता था कि लोग वो भी यूज़ कर पाए। हमने तो यूज़ करा हुआ है, बट मे भी शायद मैंने पहले पीछे कोई वीडियो बनाई हो, तो जिन भी लोगों ने यूज़ करा है, तो यहाँ पर क्या सिंपल से स्टेप हैं, जिन्होंने V1 यूज़ करा है ना अक्रॉस का, वहाँ पर क्या था, पॉलीगॉन नहीं था, सिर्फ लेयर वन से लेयर टू पे जा सकते थे, लेयर टू से लेयर वन पे आ सकते थे, दैट्स इट। तो अभी क्या है, आप पॉलीगॉन से इथेरियम में आ सकते हो, लेयर वन में, ऑप्टिमिज्म में, आर्बिट्रम में, जिससे कि आपकी फीस कम लगेगी। ओके, तो अभी आपके पास ऑप्शन हैं, तो इसको यूज़ करो। उसके बाद इसका पूल है, यहाँ पर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा सकते हो, लाइक USD, DAI, इथेरियम, जो भी आप करना चाहो। पर ये जो इसकी फीस लगेगी, ये मेन नेट की फीस लगेगी। इसका टोटल प्रोसेस जो होगा, अगर आपको मेन नेट भी यूज़ करना है, 20-25 डॉलर का खर्चा आएगा। बट इसके अंदर आपको क्या करना है, जो मेन फोकस करने वाली बात है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, वो आपको नोटिस करना है, वॉल्यूम। जो भी ब्रिजेस यूज़ कर रहे हो ना आप, वॉल्यूम जनरेट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं है कि 50-50 डॉलर से आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हो, 100 डॉलर को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको एक बस हिंट दे रहा हूँ कि 99.99% आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप हर एयर ड्रॉप में एलिजिबल होगे। उसके होने के चांसेस जो हैं वो इसी वजह से आपके बनेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म में जो है वॉल्यूम को जनरेट करो। पहला दिन है, जैसे आपने आज अक्रॉस को यूज़ करना है, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास 1,000 डॉलर हैं, 1,000 डॉलर पॉलीगॉन से आप ऑप्टिमिज्म में सेंड कर लो, ठीक है। क्या चार्जेस लगेंगे आपके, 2-3 डॉलर इतने ही लगेंगे। अगर आपके पास 5,000 डॉलर हैं, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो
पॉलीगॉन से ऑप्टिमिज्म, तब भी आपके $2 से $3 ही लगेंगे। अगर आप $10 सेंड कर रहे हो तो भी उसकी फीस $2 से $3 ही लगेगी। सो थिंक अबाउट इट, छोटी छोटी ट्रेड्स करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दो ट्रेड्स ऐसी कर लो जिससे कि आप $5,000 का वॉल्यूम जनरेट कर लो, तीन ट्रेड कर लो, चार ट्रेड ऐसी कर लो जिससे कि आपका टोटल $5,000 का वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए। जैसे वो कंप्लीट होता है रेगुलर हो जाओ, 2 महीने में 1 बार, महीने में 1 बार प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, फिर चाहे आप $100 से यूज़ करो, फिर चाहे $200 से यूज़ करो, जैसे आपको ठीक लग रहा है। बट ओवरऑल जो आपका जो वॉल्यूम जनरेट होगा ना, उसी से आपको प्रॉफिट होगा और उसी से आपकी जो कंफर्मेशन है ना एयर ड्रॉप के लिए वो पक्की होती जाएगी। अब हॉप पे क्या था कि जिन लोगों ने वॉल्यूम जनरेट करा है उनको 3x मिला। जैसे मेरे को अगर $500 टोकन मिले थे, उनके 500 टोकन के मेरा वॉल्यूम जनरेट हुआ था, वॉल्यूम के हिसाब से मेरे को 3.3x हुआ उस, या कुछ हुआ 400 टोकन से मेरे को 1500 कुछ टोकन्स मिले क्योंकि मेरा वॉल्यूम अच्छा जनरेट था वहाँ पर। कनेक्ट का भी एयर ड्रॉप विद इन अ मंथ आ जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट टोकन होप सो होना चाहिए, उसके लिए भी हम एलिजिबल हो जाएं। तो ये दो चीज़ें हैं, इस ब्रिज पे आप यूज़ कर लीजिएगा, एक्रॉस को मिस आउट मत करना। इथेरियम पे रहा ये, लेयर 1 पे है ये, बहुत कम लोगों ने यूज़ करा होगा कंपेटेबल बाकी ब्रिजेस के हिसाब से क्योंकि फ़ीस बहुत लग रही थी इस पे। तो अभी क्या है, अभी पॉलीगॉन आ चुका है, इस पे लोग बढ़ते जाएंगे, आप भी वॉल्यूम जनरेट कर लेना। बस इसके लिए यही है। सेकंड वन जो मेरा होने वाला है बंजी, हो सकता है वीडियो हो जाए लंबी, कुछ नहीं जाएगा आपका 15 मिनट अगर आप वीडियो को दोगे, 15 से 20 मिनट, बहुत चीज़ें आप लर्न कर लोगे। ये सारे टिप्स हैं, इन टिप से ही आप अगर गौर से फोकस करोगे ना, हर एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगे आप। बंजी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फीस बहुत कम है। बंजी जो है ऑसम है, ये ऑसम ब्रिज है, ऑसम क्योंकि ये जो है जहाँ पर तुम्हारी कम से कम फीस लगेगी ना वहीं से उठाएगा और रूट आपको बता देगा कि भाई यहाँ से यहाँ ले जाओ। तो ये देखो पॉलीगॉन से VSC जा रहा है, मैं 100 कर रहा हूँ, जस्ट $1 लग रहा है, ठीक है। अब यही मैं 1000 कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी ये बता नहीं रहा इसके बारे में, ऑप्टिमिज्म में होगा शायद, या मेरे पास बैलेंस नहीं है शायद इसकी वजह से ना दिखाए, देखना पड़ेगा। हाँ दे रहा है, अभी देखो हॉप से ये ले रहा है, पॉलीगॉन से ऑप्टिमिज्म, टोटल फीस देख रहे हो आप कितनी ले रहा है, ये सिर्फ $2 के अराउंड इसकी फ़ीस लगेगी अगर आप $1,000 ट्रांसफ़र कर रहे हो। और अगर हम $10,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर ये दिखा देता है तो ये देखो फीस कितनी लगी है, $2, सेम फीस है। इसीलिए बोल रहा हूँ छोटी ट्रांजेक्शन करना छोड़ दो, मेरे को मेरी कम्युनिटी में सबको एयर ड्रॉप दिलवाने हैं। कम्युनिटी आप अर्न करोगे ना, जब मेरी लर्निंग से अर्न करोगे तो आप खुद ब खुद जुड़ते जाओगे यार, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में, आपको मज़ा आएगा साथ में जुड़ने में क्योंकि आप अर्निंग करोगे। ऐसे ऐसे ट्रिक्स होंगे जो हर कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बताएगा, हर कोई बता देगा भाई यूज़ कर लो तुम्हें एड्रॉप मिल जाएगा, यूज़ कर लो तुम्हें एड्रॉप मिल जाएगा। कैसे मिलेगा यार एड्रॉप, उसके बीच के जो लूफॉल्स हैं वो कौन ढूंढेगा, तभी एयर ड्रॉप मिलेंगे। और कोशिश ये करो कि एक ही जो तुम्हारे पास मेटामास्क है उसी को यूज़ करो, 10-10 जगह पे, 15-15 जगह पे पैसे वेस्ट मत करो। ये बहुत ज़्यादा शाणे हो चुके हैं, इन्होंने क्या करना है, निकालते जाएंगे आगे से आगे ये, तो ये गलतियाँ मत करना। तीसरा प्लेटफॉर्म आ गया मेरा, ठीक है, वॉर्म होल। ये मुझे लगता है ये टोकन लाएंगे क्योंकि इनका एक सिस्टम था, इनका हैक हुआ था,
स्टार्टिंग में हैक हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने वेबसाइट पूरा अपग्रेड कर दिया है, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। डेफिनेटली ये आगे आने के लिए अपना टोकन लाएंगे ही लाएंगे, तो डोंट मिस आउट। ठीक है, वॉर्म होल पे अगर दिक्कत आती है टोकन्स के बारे में तो आप कमेंट कर देना, अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी। मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है एक, तो उस पर देख लेना, अगर नहीं मिलेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको टोटली डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको अपना टोकन रिडीम करना है यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने हमारा ली फाइनेंस ब्रिज, इनके ट्विटर हैंडल पे इन्होंने कहीं पे ट्वीट करी थी टोकन्स के रिगार्डिंग कि अभी बियर मार्केट है, अच्छा है कि हम तो यही करेंगे इस बियर मार्केट में, इस ऐसी सिचुएशन पे हम टोकन नहीं लाएंगे, जस्ट वैसे ट्रोल करा था इन्होंने। तो ऐसे ऐसे ही जो ये जो कमेंट्स होते हैं, ट्रोल्स होते हैं ना, ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये ला सकते हैं टोकन्स को, ऑलवेज ऐसे ही होता है। तो हमारे हो चुके हैं टोटल 3 और 2 5 4 ब्रिजेस हो चुके, 3 और 1 4 हो गए हैं ब्रिजेस। उसके बाद हम आते हैं ऑर्बिटर, ऑर्बिटर पे ZK Sync के लिए है। इसके लिए आप 2 3 प्लेटफॉर्म पे आप जैसे आप ऑर्बिटर से अगर आप ZK Sync पे भेजोगे, ZK Sync के जो फंड्स हैं वो आ जाएंगे आपके ZigZag पे भी, तो आप 3 3 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो एक साथ, इसको मिस आउट मत करना। ये ZK Sync पे एक लौता है जो आया था स्टार्टिंग पे ऑर्बिटर, ठीक है, और ZigZag का था, ZigZag के बाद ये आया था, तो इसे मिस आउट मत करना। यहाँ पे भी वॉल्यूम जनरेट कर लेना, जितने भी मैंने ब्रिज बताए हैं सब पे कोशिश करो 5000+ वॉल्यूम जनरेट करने की, $5000 से ऊपर जाने की कोशिश करो। तो अभी लास्ट वन जो मेरा होने वाला है वो है चेन होप। ऑप्टिमिज्म ने भी इसको ट्वीट करी है, आर्बिट्रम ने भी इसको ट्वीट करी है, रीट्वीट करी है, रिकमेंड करा है कि आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखो, नो टोकन येट, पर इसमें एक फंडा है, ये जो ट्रांजैक्शन की फीस ले रहा है ना भाई, फुल फीस ले रहा है, फुल फीस वसूल रहा है, ये $3 3 $4 4 ऐसे ले रहा है। तो कोशिश कीजिए फालतू में फंड मत गवाओ, जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं को यूज़ करो, और कोई ज़रूरत नहीं है कि हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, 2 हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, 4 हफ्ते में, आप 1 महीने बाद भी यूज़ करोगे। हाँ ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा वॉल्यूम जनरेट कर लो, 10 15 दिन में क्या है कि थोड़ी ट्रांजेक्शन्स कर लो, उसके बाद आप गैप डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा। यार ऑन एवरेज आप लिस्ट बनाओ, हर प्लेटफॉर्म पे अगर आप $30 इन्वेस्ट कर सकते हो उस हिसाब से प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो। ये जितने भी ब्रिजेज है ना, अगर आप $5000 का वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हो और रेगुलर इनके एक्टिव यूज़र्स में आना चाहते हो, $30 पर प्लेटफॉर्म इज मोर देन इनफ, सही ढंग से चलोगे। मैंने 6 ये प्लेटफॉर्म बताए आपको, 6 प्लेटफॉर्म पे उसका इथेरियम का, एक्रॉस का, अगर उसको भी लेके हम चलते हैं, आप टोटल लगा लो आपका $200 खर्चा आएगा, ठीक है, $200 खर्चा आएगा आपकी जेब से, गए $200। 6 में से 1 भी प्लेटफॉर्म ने आपको एयर ड्रॉप दे दिया, मिनिमम टू मिनिमम $1500 का एयर ड्रॉप तो आपको मिल जाएगा, 1000 से $1500। बुरी से बुरी बेयर मार्केट भी होगी ना, इससे भी मतलब 100% नीचे होगी ना मार्केट, तो भी $1000 का एयर ड्रॉप मिल जाएगा आपको। वॉल्यूम जनरेट करो, सोचो फिर पैसे इन्वेस्ट करो, फालतू में पैसे मत इन्वेस्ट करो। वीडियोस देख देख के लोग बहुत कुछ बताएंगे, तरीके से पैसे यूज़ करो, और कोशिश करो जब भी आप Layer 1 या Layer 2 के ब्रिजेस को यूज़ कर रहे हो, ईथर स्कैन पे आओ, GWA चेक करो, जब कम हो तभी यूज़ करना। कोई ज़रूरत नहीं हमें कि आज के आज ही हमें सारी ट्रेड्स करनी है, वेट करो। सैटरडे और संडे वाले दिन ये 20 20 के अराउंड ही रह रहा है, जिससे कि आपकी फ़ीस अगर आज $4 लग रही है, सैटरडे संडे को आपकी लगेगी $1.5 2 डॉलर। सो आज की वीडियो में इतना ही है, ये 6 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन पे
मुझे पूरा ट्रस्ट है कि हाँ इनका टोकन आएगा और ये अच्छे तरीके से एयरड्रॉप करेंगे, क्योंकि सीजन जो है ना स्टार्ट हो गया। अब ये ब्रिजेस का टोकन आने स्टार्ट हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिले इसलिए हो रहा है कि उनको अच्छे तरीके से टोकन्स को मार्केट में लाना है और मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। चेन ऑफ कनेक्ट एक ब्रिज करके आया था, वो अभी इनकी लाइन लगेगी भाई, लगातार लगेगी। और एक्रॉस को भी अगर आप चेक करोगे ना, ट्विटर हैंडल पे जाओ, एक्रॉस के नो टोकन येट लाइव, इनका लिखने का मतलब क्या है? यही है भाई, प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, अर्ली यूज़र्स बनो। तो आज की वीडियो में यही है, वीडियो आज लंबी हुई है, काफ़ी टाइम बाद लंबी वीडियो डाली है मैंने, बट जिस भी लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है ना, जो बीच में मैंने ये ट्रिक्स हैं भाई, अगर आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल यूज़ करने से आप एयरड्रॉप ले जाओगे, नहीं होगा आगे, ऐसा नहीं होगा। आज मैं 5,000 बोल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम पे जो प्लेटफॉर्म से वो $10,000 रख दें कि $10,000 का आपने वॉल्यूम जनरेट कराओ तभी आप एयरड्रॉप ले पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉट्स को साइड पे करना है, बॉट्स को साइड पे करना है इनको। और हर प्लेटफॉर्म पे मिनिमम से मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन्स करके रखना, ये कोशिश करना 5 ट्रांजेक्शन से ऊपर जाना, हो सके तो 10 भी हो तो 10 कर लेना। 10 भी करोगे ना पर ट्रांजेक्शन, अगर $1.50 पड़ रही है तो भी $15 की फीस लगेगी, $20 रख लो, $30 मैंने इसलिए मैक्सिमम बोले हैं हर प्लेटफॉर्म के लिए। तो ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली स्क्रीनशॉट डल रहे हैं मेरे, जो मैंने बोला था $20 से $30 डेली अर्निंग के लिए, सिंपल लो रिस्क पे कर रहा हूँ। और बहुत जल्द ग्रुप बना दूंगा जिसको भी ज्वाइन करना है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, रिस्क तुम्हारा, पैसे कमाओगे तुम, नहीं कमाओगे लूज होंगे, पैसे जाएंगे तुम्हारे, मुझे दोनों चीज़ों पे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, बस मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ वैसे आप भी लोग अर्निंग करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।